तो जी स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है XUV 4XO और ये हमारे पास जो है ना इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, EL Pro करके नाम से जो है ये आता है। आज के वीडियो में बात करेंगे इस टॉप एंड वेरिएंट के बारे में कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है और क्या आपको नेक्सॉन को छोड़ के इसको जो है कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, तब आपको जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इस टॉप एंड वेरिएंट की जो है चाबी दिखा देता हूँ, बाकी फिर जो है बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस और फीचर्स वगैरह के बारे में, चार्जिंग स्पीड वगैरह में क्या कुछ मिलता है और ओवरऑल रेंज वगैरह में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप चाबी की बात करते हो तो चाबी आप देख लो, ऐसी कुछ यहाँ पे आपको जो है चाबी देखने को मिल जाती है। और जो अपना महिंद्रा का लोगो है वो थोड़ा सा कॉपर इंसर्ट जो आते हैं वैसा कुछ देखने को मिलेगा, टिपिकल महिंद्रा वाली की है, कोई ऐसा फर्क है नहीं इसके अंदर। सामने की तरफ आपको तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक, अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। बाकी फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, वैसे आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर आपको जो है पुश बटन वगैरह जो है और साथ में सेंटर लॉकिंग अपना जो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और ऐसी आपको जो है यहाँ पे दो चाबी मिलेंगी, बाकी एक बार दोबारा से देख लो ऐसी कुछ चाबी मिलती है। बाकी बात करें इसके एक्सशोरूम प्राइस की, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है टॉप एंड वेरिएंट है, EL Pro के नाम से जो है वेरिएंट आता है। अगर आप इसके एक्सशोरूम प्राइस वगैरह की बात करते हो तो ये वाला वेरिएंट आपको एक्सशोरूम कॉस्ट करेगा 17,70,000 ऑन रोड प्राइस के लेना। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना, वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि क्या कुछ आपको एक्सप्रॉक्स जो इसका ऑन रोड प्राइस वगैरह देखने को मिलता है। और एक और चीज भाई, कमेंट मत करा करो कि भाई ऑन रोड प्राइस में फर्क आ रहा है, तो एक चीज जरूर है कि भाई डीलरशिप से डीलरशिप जो है ना प्राइस वगैरह में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो उस चीज को एक बार आप नियरेस्ट अपने डीलरशिप पे जाके ना कंफर्म वगैरह कर ले करो। तो प्राइस वगैरह मैंने आपको बता दिया, चाबी मैंने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं अगर आप EL Pro वेरिएंट की तरफ जाते हो तो क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो अगर आप डुअल टोन वाला वेरिएंट देखोगे तो एक बार लुक वगैरह देखो, ब्लैक विद कॉपर रूफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप सामने की तरफ बात करते हो तो महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है, इस तरीके की आपको जो फ्रंट वाली ग्रिल पर डिजाइन देखने को मिल जाते हैं और नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा बंद है क्योंकि ईवी में इतनी ज्यादा कूलिंग वगैरह की ऐसा जरूरत होती नहीं है। टो करना चाहते हो इसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। नीचे स्किड प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पे भी आपको कॉपर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। साथ में एक चीज है, अगर आप इधर की तरफ बात करते हो ना यहाँ पे आप देखो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर हेलोजन फॉग लैंप मिलती है, जबकि ईवी है भाई एलईडी वगैरह देना चाहिए था बट इन्होंने जो है फॉग लैंप भी हेलोजन बल्ब के अंदर ही दे दिए। खैर अब आप मुझे बताओ आप में से कितने लोग इसे चेंज कराओगे या क्या रहेगा। उसके अलावा इधर की तरफ आपको इस जो है इसके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है जो कि हेलोजन बल्ब के अंदर, हाई बीम आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखे हैं। ऊपर की तरफ डीआरएल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, एक बार रनिंग शॉट वगैरह में देख लेना आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे पूरे डीआरएल्स वगैरह नहीं आते तो इस तरीके से महिंद्रा ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया है। उसके अलावा बोनट वगैरह पे आप डिजाइन वगैरह देख सकते हो, इस तरीके के जो है आपको डिजाइन वगैरह मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके वेरिएंट की लिस्ट की बात करते हो तो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं बताऊँ आपको ईसी और ईएल करके नाम से दो वेरिएंट आते हैं। एक मीडियम रेंज है जिसके अंदर आपको लगभग 35 किलोवाट की बैटरी मिलती है और जो टॉप एंड है उसके अंदर आपको जो है 39.4 किलोवाट के समथिंग की बैटरी मिलती है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, वीडियो को आप एंड तक देखना। बाकी दो वाइपर्स वगैरह मिल जाते हैं, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर का जो सेंसर है वो आपको ऊपर की तरफ जरूर से मिल जाता है क्योंकि बहुत सही है, टॉप एंड के हिसाब से ये चीज मिलनी भी चाहिए थी। चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पूरी कार पे व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह जरूर से मिल जाते हैं, ये सेम इंसर्ट्स वगैरह जैसे अपनी ईवी है तो ये चीज आपको मिलेगी क्लैडिंग वगैरह के नीचे। बाकी अगर आप बात करते हो अपने टॉप स्पेक वेरिएंट के व्हील्स के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिकली डायमंड कट व्हील्स है। लोगो देख लो ईवीस वाला थोड़ा सा लोगो दे रखा है, ये जो इस तरीके से थोड़ा सा कॉपर इंसर्ट्स वगैरह है ना सेम लोगो है। आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे तो पीछे भी डिस्क ब्रेक ही आते हैं टॉप एंड में। टायर वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है अपोलो के एपेटेरा क्रॉस वाले जो है टायर मिल जाते हैं। प्रोफाइल और दिखा देता हूँ, देखो प्रोफाइल किधर की तरफ है, यहाँ पे आप देखो 205/65/16 16 इंची का यहाँ पे आपको जो रिम का साइज दिया गया है जो कि ठीक साइज का है और जो साइड वॉल वगैरह है वो थोड़ी सी ज्यादा है तो कंफर्ट वगैरह कहीं ना कहीं आपको फील होने वाला है। आगे मैकपर्सन सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे आपको कपर टॉर्जन एक्सल बीम के साथ दिए गए और ये जो चीज आप देख पा रहे हो ये सारी एसेसरीज है, आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगी। बाकी बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये भी एसेसरीज है, ये भी आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। बी पिलर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। उसके अलावा अगर आपने ए पिलर वगैरह की बात करते हो ना तो ये देखो ये भी पूरा पियानो ब्लैक के अंदर है, अंदर इसके अंदर वैसे पूरा बॉडी है बाकी ये ऊपर से कवर वगैरह चढ़ा रखा है। अगर आपने ओआरजेंस वगैरह की बात करते हो तो ये भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। टॉप वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रूफ वगैरह देख लो जी, ऐसी कुछ आपको रूफ मिलती है, यहाँ पे पियानो ब्लैक जो है रूफ रेल्स मिल जाते हैं और ऐसी कुछ आपको जो है यहाँ पे छोटी वाली सनरूफ देखने को मिलेगी। ऊपर लाइट भी लगा रखी है ना तो प्रॉपर लुक वगैरह आ रहा है इसका, एक बार आप दोबारा से देख लो। और ये जो है ये एसेसरीज वगैरह है, उसके अलावा सी पिलर पे पियानो ब्लैक का जो है यूज मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप पीछे आ जाते हो तो पीछे से एक बार आप कंप्लीट कार वगैरह देख लो, ऐसी कुछ कंप्लीट लुक वगैरह इसकी देखने को मिलती है।
एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप वगैरह यहाँ पे आपको दे रखी है, इंटीग्रेटेड टाइप स्पॉइलर मिल जाएगा और साथ में एक्टिव वगैरह दे रखा है। देखो अंदर से जो अपनी एयर है यहाँ से जाएगी, इस तरीके से बाहर आ जाएगी, तो डस्ट वगैरह जो है साफ वगैरह होगी कि नहीं होगी वो तो देखो चलाने के बाद पता पड़ेगा। उसके अलावा डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीजें मिल जाती है, लोगो वगैरह आप देख सकते हो। उसके अलावा रिवर्स कैमरा वगैरह दे रखा है, एक बार क्वालिटी वगैरह अंदर चल के चेक करेंगे। ईवी की बैजिंग मिल जाती है, उसके अलावा एक्सयूवी 4W की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। आने वाले टाइम में आपको एक्सयूवी सीरीज की अगर आप बात करते हो ईवी में, तो कई गाड़ियां महिंद्रा ने प्लान कर रखी हैं, लॉन्च होंगी जैसे जैसे आएंगी मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। पूरा टेल लाइट्स वगैरह जो है वो एलईडी के अंदर आपको दिया गया है। उसके अलावा इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, लुक वगैरह आप कॉमेंट में बता देना, रनिंग शॉट आ रहा होगा एक बार देख के। उसके अलावा सेफ्टी में रिफ्लेक्टर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे दे रखा है, दो सेंसर मिल जाते हैं जो कि बहुत सही है। रियर स्किड पैड वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, बाकी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह तो मिलेगा नहीं। नीचे का सेटअप देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है, थोड़ा सा नीचे लाइट का इशू है इस वजह से आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, बाकी वैसे कुछ इतना विजिबल होता नहीं है। बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था, इस साइड से भी एक बार आप कंप्लीट कार देख लो। रुकवेल सेंसर जो है सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं दिया गया है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को आपको बताना हो एक चीज बता देता हूँ, ग्राउंड क्लीयरेंस, तो अगर आप पंच वगैरह को छोड़ के इसकी तरफ आ रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके पास बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है, जबकि पंच में थोड़ा सा कम मिलता है। वैसे पंच से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफर वगैरह के बाद जो इसका प्राइस है ना क्लोज टू पंच ही आ जाता है। नेक्सॉन से मत कंपेयर करना, क्योंकि नेक्सॉन में तो आप जो बैटरी पैक वगैरह है वो भी बढ़ा दिया है, तो कहीं ना थोड़ी सी अलग है। उसके अलावा एक्सटीरियर में इसके अलावा ज्यादा कुछ चीजें है नहीं जो मेरे को आपको बतानी हो, बाकी अब मैं आपको जो है इंटीरियर की तरफ लेके चल लेता हूँ। इंटीरियर में देखते हैं अगर आप टॉप एंड पे जा रहे हो तो क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप डोर ट्रिम वगैरह की बात करते हो तो देख लो भाई, डुअल टोन ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है, चारों पार विंडो के कंट्रोल्स हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन आपको ड्राइवर साइड वाली देखने को मिल जाती है। उसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, ये वाला चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ORVM के सारे एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसके ट्यूटर की बात करते हो तो वो जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो है चार स्पीकर, दो ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा, दो बोतल होल्डर मिल जाते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला मिलता है। उसके अलावा छोटी सी पॉकेट भी मिल जाती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी फिटेड जो है इसका प्लेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बेसिकली नेम वगैरह नहीं आएगा, डिजाइन वगैरह आप जरूर से क्लोजअप में थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी कहीं ना कहीं मुझे यार बहुत जो है स्पेशली अगर आप मेरे पसंद की पूछोगे तो मुझे 4W बहुत ज्यादा पसंद आती है, अगर आप नेक्सॉन से जो है अगर कंपेयर वगैरह करते हो। देखो प्राइस वगैरह में तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है नेक्सॉन और इसके अंदर, क्योंकि नेक्सॉन में बहुत ज्यादा ही फीचर आते हैं, टाटा ने बहुत ही ज्यादा घुसा दिए हैं फीचर उसके अंदर, बट ठीक है वो कोई बात नहीं। उसके अलावा आप देखो एक बार बटन को प्रेस कर लेते हैं, इस तरफ जो है इसका बटन दे रखा है, इसको आप इस तरीके से प्रेस करो स्टीयरिंग अनलॉक हो जाएगा, और एक बार जो है इसी को ऑफ कर देते हैं क्योंकि भाई इतना टेम्परेचर लो वगैरह नहीं है। लो जी सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट देख लो भाई, इतना हाई क्वालिटी का इंफोटेनमेंट है ना, क्लोज टू आप ये लगा के चलो टाटा भी मतलब बराबरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि टाटा का खराब है, लैग वगैरह हो सकता है उसके अंदर, बट ये जो ओवरऑल फील देता है ना डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। बाकी स्टेयरिंग व्हील वगैरह देख लो, यहाँ पे आपको जो लेदर ऐप देखने को मिल जाता है, महिंद्रा का लोगो है, ब्लू कलर में अंदर फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप जो है ईवी चला रहे हो। बाकी यहाँ पे आपको जो है सारे क्रूज कंट्रोल और MID को टॉगल करने के बटन्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट के जो सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटो की बैजिंग आपको मिल जाती है, बाकी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, और भाई लो जी ऐसी कुछ MID वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा अगर फोकस में आ जाए तो अब ठीक है। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स वगैरह किसके अंदर आप ड्राइव कर रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल गाड़ी कितना चल चुके नीचे दिखा देती है, यहाँ पर रीजर्नेशन और कितना पावर आप यूज कर रहे हो, बेसिकली कितना पैडल प्रेस कर रहे हो वो चीज दिखाती है, यहाँ पे इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीजें हैं, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह मिल जाता है, टाइम वगैरह दिखा रहा है, TPMS वगैरह है। उसके अलावा अभी जो है फिलहाल फन मोड पे है, अगर आप इसका मोड यहाँ से जो है चेंज करते हो तो आप देखना एक बार, यहाँ पे फास्ट मोड, उसके अलावा यहाँ पे फियरलेस, सबसे फोर्टियर मोड है ये इसका, उसके अलावा फन मोड, ये बेसिक सी तीन मोड मिल जाते हैं। गाड़ी कितना चार्ज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 34% फिलहाल चार्ज है। रेंज कितना दिखा रही है, 102 किलोमीटर का। रियल लाइफ में आप मुझसे पूछोगे ना कितना चल जाती है तो मैं आपको अंदर बता देता हूँ, बाकी बैटरी वगैरह के बारे में तो बात करेंगे ही। आप 250 किलोमीटर पकड़ के चल सकते हो, 250 किलोमीटर आप AC और लाइट ड्राइविंग के साथ चलाते हो, रीजनरेशन वगैरह ज्यादा यूज करते हो तो 250 किलोमीटर आप इससे इजिली निकाल सकते हो। कंपनी कितना क्लेम कर रही है वो आगे बात करेंगे, बाकी ऐसा कुछ सारा सेटअप है। उसके अलावा अगर आप टॉगल करोगे, यहाँ पे बटन दे रखा है, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आप जो है व्हीकल इन्फो देख सकते हो, उसके अलावा नेविगेशन वगैरह है, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह, अलर्ट हिस्ट्री वगैरह मिल जाता है। बैटरी इन्फो में जाना चाहते हो एंटर कर दो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा ना लेजी सा ही है, बाकी एक बार दोबारा से प्रेस कर लेते हैं, देखो बैटरी कितना चार्ज है, कितने वाट आवर वगैरह आप यूज कर रहे हो,
वो सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पे ड्राइविंग इन्फो किस हिसाब से आपने चलाई थी, नेविगेशन वगैरह आप अगर इसके अंदर देखना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। जैसे बहुत सही है, स्क्रीन की जो क्वालिटी वगैरह है ना मैं बता देता हूँ, 10 इंच वाली स्क्रीन है, पूरी कलरफुल है, आपको क्लियरिटी में देख ही रहा होगा और देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी खासी दे रखी है। उसके अलावा इन्फोटेनमेंट के बारे में जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है, क्योंकि इसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड वगैरह जो है वायरलेस देखने को मिल जाता है, बाकी एड्रोनिक्स वगैरह के कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप ड्राइविंग स्टेटिक्स वगैरह में देखोगे तो गाड़ी कितना चार्ज है, कितनी रेंज दिखा रही है, कितने वॉट आवर वगैरह जो है फिलहाल ये यूज कर रही है वो देख सकते हो, अभी तक कितने यूज किए थे, टोटल गाड़ी कितना ट्रेवल्ड है, ट्री सेव्ड, CO2 वगैरह, ये फालतू की चीजें आपको जरूर से मिल जाती है, पैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं। उसके अलावा चार्जिंग टाइम, एंड टाइम आप अगर आप सेट करना चाहते हो अपने एंड से सेट कर सकते हो, यहाँ पे कितनी देर में आपको चार्ज में लगानी है, वॉट आवर वगैरह, एनर्जी टाइप वगैरह, ये बेसिक सी सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। बट क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, और फील अगर आप देखोगे ना तो देखो कितना स्मूथ है, ये लैग बिल्कुल भी नहीं करता है। एप्लीकेशन वगैरह देखना चाहते हो, लो जी यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आपने 700 वगैरह देखी है तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई टिपिकल महिंद्रा UI वाली चीज आपको मिलती है। नेविगेशन वगैरह में मेपल इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है और फ्री है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, पेड वगैरह जो चीजें होती है। उसके अलावा 2 AC वगैरह मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिलेगा, डुअल जोन नहीं आएगा। उसके अलावा 2 चार्जिंग पोर्ट वगैरह दे रखे हैं, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और सबसे फेमस चीज जो मुझे लगती है अपनी 400 की वो है ये गियर सेलेक्टर, गियर लीवर तो नहीं बोल सकते, गियर सेलेक्टर है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्क। अब जो है एक बार गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, और देखो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो गई, देखो ये लूज हो जाएगा, और एक बार ना इसको रिवर्स में डालते हैं, और क्वालिटी वगैरह देखो क्या क्वालिटी आपको यहाँ पे फील हो रही है, क्वालिटी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, बाकी सनरूफ वगैरह का जो ओवरऑल डिजाइन वगैरह है ना दिखता रहता है, बहुत बढ़िया है, साथ में जो सेंसर वगैरह है वो यहाँ पे दिखाता रहता है। बाकी दोबारा जो है इसको पार्क पे कर देते हैं, ये वाला बटन आपको दबाना है, पार्क पे आ जाएगा, बाकी ये 2-3 मोड्स मिल जाते हैं। गाड़ी को कर देते हैं बंद, और देखो जब आप बंद करोगे तो इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाती है, SOC वगैरह। दोबारा से ऑन कर लेते हैं, ये 2 कप होल्डर्स वगैरह है, हैंड ब्रेक वगैरह आपको मिल जाता है, पूरा सेंटर कंसोल जो है पियानो ब्लैक के अंदर है, थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस यहाँ पे जो है देनी पड़ेगी, एक और बार और प्रेस कर लेते हैं अब ठीक है। उसके अलावा आर्मरेस्ट के नीचे इतनी कुछ स्पेस मिल जाती है, सीट्स वगैरह जो है एक बार आप दूर से चेकआउट कर लो भाई, ऐसी कुछ लेदर है आपको जो सीट्स मिलने वाली है, सिंगल टोन सीट्स हैं, बाकी स्टिचिंग वगैरह सेम जो कॉपर से मिलती जुलती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेंटिलेट सीट्स वगैरह नहीं आएंगी तो वो चीज एक्सपेक्ट मत करना, बाकी ग्लोबॉक्स का साइज देख लो ऐसा कुछ साइज है, बहुत ज्यादा 3XO से मिलती जुलती डिजाइन वगैरह, जैसे ग्लोबॉक्स सीट्स वगैरह, डोर ट्रिम वगैरह बहुत हद तक मिलती जुलती है। ऊपर बात करते हो ऑटोडेमिंग IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर ऊपर की तरफ दे रखा है, यहाँ पे आई थिंक इससे आप जो है ऑन कर सकते हो, हेलोजन लाइट्स वगैरह मिल जाती है जो कि ठीक है, सनरूफ का कंट्रोल है, इस तरीके की छोटी सी सनरूफ आपको मिल जाती है, माइक वगैरह है। उसके अलावा इधर देखते हो तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, और इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट वगैरह ऊपर की तरफ दे रखी है जो कि बहुत सही है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, 6 एयरबैग सेफ्टी के अंदर दे रखे हैं, तो सेफ्टी वगैरह तो अच्छी खासी मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बाकी एप्पल कारप्ले वगैरह मैंने आपको बताई दिया। अब एक लास्ट चीज और चेक करके दिखा देता हूँ भाई, अगर आप स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी वाली चीज है। उसके अलावा लेदर है, स्टीयरिंग व्हील वगैरह जरूर से मिल जाता है। आ जाओ अब जो है मैं आपको पीछे लेके चल लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को आपको बताना हो, अगर आपको कुछ स्पेशल पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसके अलावा एक चीज और देख लो, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर वगैरह यहाँ पे दे रखा है, बाकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल और 6 एयरबैग वगैरह का जो बेजिंग वगैरह है वो सारी मिल जाती है। आ जाओ आप पीछे चल लेते हैं, देखो जी सबसे पहले ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिलता है डोर ट्रिम के अंदर, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जो है लेदर ऐप का यूज जरूर से मिल जाता है, सॉफ्ट टच है बेसिकली, पावर विंडो का स्विच दे रखा है, और जो डोर लीवर वगैरह है ना वो थोड़ा सा आपको प्रीमियम टच देने वाला है, गन मेटेलिक फिनिशिंग के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, बाकी लोअर वेरियंट्स में हो सकता है कि ये मैट ब्लैक के अंदर आए तो उसमें कोई दोहराई वाली चीज है नहीं। बाकी जैसे आप पीछे बैठोगे सबसे पहले तो डोर थर्ड आप बहुत ज्यादा सॉलिड यहाँ पे फील होने वाली है, और गाड़ी का ओवरऑल जो रिक्लाइन एंगल वगैरह है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। एक बार मुझसे जो है गाड़ी लॉक हो गई, अब नॉर्मल कर लेते हैं ठीक है। बाकी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, बट थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बाकी ओवरऑल अगर आप बैठोगे तो आपको एक बार में ही फील हो जाएगा, जिससे आपकी मेरी हाइट है 5'5" के आसपास, या अगर आपकी हाइट 5'8" भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि लेंथ अच्छी खासी है, लगभग 4.2 मीटर के आसपास की जो है आपको लेंथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक नेगेटिव पॉइंट जो लोगों को लग सकता है वो है ये चीज कि यहाँ पे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं है, सिर्फ इस तरीके से स्ट्रैप टाइप का दे रखा है। रियर में 2 AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, सेम कॉपर बोल लो या गोल्ड वगैरह बोल लो, वो चीज आपको मिल जाती है, मोबाइल रखने के लिए प्रॉपर एक जगह दे रखी है,
सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है और नीचे की तरफ एक जो है आपको 12V वाला मिल जाता है, क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जो नेगेटिव पॉइंट है ईवी के हिसाब से कि जो थोड़ा सा फ्लोर है ना वो थोड़ा सा आपको फील होने वाला है कि ज्यादा है। ताकि एक बार मैं आपको बीच में बैठ के दिखा देता हूँ, देखो ये इस वजह से बोल रहा था, देखो पैर ऐसे आपको रखने पड़ेंगे, फ्लैट नहीं है, या तो आप ऐसे ऐसे करके बैठोगे इस पर, या फिर आपको ऐसे करके थोड़ा सा पैर जो है चौड़ा के बैठने पड़ेंगे। तो ये है, बाकी आप इस तरीके से बैठना चाहते हो, बच्चा बैठेगा तो कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी नो डाउट सीट की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, सनरूफ का व्यू देख सकते हो, सेंटर में एक जो है हेलोजन लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल है, कोटुक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, और सेम चीजें जो है यहाँ पे दे रखी है। बाकी एयरबैग वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी अगर आप कंफर्ट को बढ़ाना चाहते हो तो तीनों बंदों का ध्यान दे रखा है। आई थिंक इसमें एडजस्टमेंट आती है कि नहीं, भाई इसके अंदर नहीं है, इन दोनों के अंदर मिल जाती है। एक नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो मैं आपको बूट अभी खोल के दिखा दूंगा, शायद मैंने दिखाया नहीं होगा आपको। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को आपको बताना हो, कंफर्ट के लिए ये चीज और है। अगर आप दो बंदे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो तो आराम से अपनी आर्मरेस्ट को निकालो, दो कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली है। बाकी कुछ रहा नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो जो मैं भूल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लेना। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज्यादा चीजें हो पाए मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं। अब एक लास्ट चीज बूट और खोल के दिखा देता हूँ, शायद मैंने आपको दिखाया कि नहीं, भाई थोड़ा सा मिस हो जाता है कई कई बार। बाकी देखो इसका बटन यहाँ पे दे रखा है, इसको प्रेस करके आप खोल सकते हो। और लो जी ऐसा कुछ सेटअप है, 368 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप बूट बढ़ाना चाहते हो तो सीट फोल्ड करने के बाद आप जरूर से बढ़ा सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई दी। पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, लाइट वगैरह जरूर से दे रखी है। और पार्सल ट्रे के लिए ना एक बार आप डीलरशिप से बात कर लेना कि भाई एक्सेसरीज वगैरह में आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। अगर आप स्पेयर टायर वगैरह की बात करते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो टूल किट वगैरह बिल्कुल 3XO की तरह आपको मिलने वाली है, सेम बिल्कुल टायर वगैरह दे रखा है, डोनल टायर है छोटा वाला, जो कि आप थोड़ी बहुत दूर के लिए जो है इसे यूज कर सकते हो। कवरिंग वगैरह प्रॉपर दे रखी है, बट इस तरफ कवरिंग वगैरह नहीं दी गई है, तो ये चीज़ थोड़ी सी है। बट जो ओवरऑल कवरिंग वगैरह की क्वालिटी है, नो डाउट सॉलिड फील होने वाली है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं चार्जिंग, बैटरी, पावर वगैरह के बारे में। आ जाओ जी, अब सबसे पहले तो बोन्ड वैसे मैंने अनलॉक कर लिया, देखो हजार्ड वगैरह जो है ऑन हो गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले जो है चार्जिंग पोर्ट दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये आई थिंक, तो जी अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखो मैंने अंदर बोल दिया, तो इस तरीके से आप अंदर से जो है इसे खोल सकते हो। देखो सेम CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप चार्जिंग स्पीड वगैरह की बात करते हो तो देखो आपके पास तीन ऑप्शन है गाड़ी को चार्ज करने के, और बाकी देखो चार्जिंग इंडिकेशन वगैरह यहाँ पे दिखाता रहता है, बहुत सही है। जो अगर नॉर्मल पंच वगैरह की बात करते हो तो वहाँ पे दिखाता नहीं है, वैसे उसमें अंदर DRLs वगैरह आती है कनेक्टेड वाली। अब आ जाती है मेन चार्जिंग स्पीड्स वगैरह के बारे में बात। अगर आप 15 एम्पीयर वाले चार्जिंग सॉकेट से चार्ज करोगे ना, जो कि लगभग 3 किलोवाट के आसपास का जो चार्जर आता है, उससे 13 घंटे लगेंगे 0 से 100% गाड़ी को चार्ज करने में, जो कि ओवरनाइट वाला चार्जर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर एक फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन आता है, AC टाइप 2 वाला, जिसके अंदर आपको जो है 7.2 किलोवाट वाला चार्जर देखने को मिलेगा। अगर आप उससे इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो लगभग 6.5 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज करने के अंदर। वो फास्ट चार्जर है, ठीक है, अगर आपको क्विक चार्ज करना है, थोड़ा सा टॉप अप चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसे यूज कर सकते हो। और गाड़ी का जो एक्सोरूम प्राइस है ना, उसके अंदर ये चीज इंक्लूड मिलेगी आपको अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला वेरियंट लेते हो। बट अगर आपको कभी ऐसा है कि फास्ट चार्ज करनी भी पड़ जाए, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है 50 किलोवाट वाला, उससे जो है 50 मिनट के अंदर 0 से 80% जो है इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। वो कभी कभी अगर आप लंबा ट्रेवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास वो ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है, तो अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये सारी चीजें देख लो, चार्जिंग स्पीड्स वगैरह बता दी, आप मुझे बताओ कि चार्जिंग स्पीड्स वगैरह कैसी हैं। उसके अलावा जी लेआउट वगैरह देख लो, यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर वॉशर, मल्टीपल कूलेंट्स वगैरह दे रखे हैं, इस साइड भी आपको कूलेंट वगैरह मिल जाता है, बैटरी और मोटर के अलग अलग है। उसके अलावा एक्सटर्नल बैटरी वगैरह मिल जाती है 12 वोल्ट वाली, और जो मेन इसका VCU वगैरह है वो चीज़ आप देख सकते हो, 3-in-1 कंबाइन यूनिट है, जो मैंने टाटा की गाड़ियों में कई बार आपको दिखा रखी है। तो अब मैं आपको जो थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ी सी बता देता हूँ मोटर वगैरह और पावर वगैरह के बारे में। देखो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो AC परमानेंट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है, जो कि 100 किलोवाट की है। अगर उसको आप BHP वगैरह में बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 147 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, और लगभग 310 Nm का टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पावर वगैरह में तो ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत बढ़िया पावर वगैरह आपको फील होने वाली है, वैसे भी ईवी है तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। बाकी अगर आप रेंज वगैरह और बैटरी वगैरह की बात करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप मीडियम रेंज वाला वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे जो है 35 किलोवाट वाली बैटरी मिलती है, और अगर आप लॉन्ग रेंज वाले की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है 39.4 किलोवाट वाली बैटरी मिलती है। तो अगर आप इससे रेंज वगैरह की बात करते हो, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो क्लेम कर रही है 456 की, रियल लाइफ में मैंने आपको बता दिया था 250 किलोमीटर तक की रेंज आप इजीली जो है निकाल सकते हो। बाकी आपकी ड्राइविंग वगैरह पर डिपेंड है, नई लोगे तो थोड़ी सी कम निकलेगी, यूज टू हो जाओगे तो थोड़ी सी ज्यादा भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एक बार बोनट और बंद कर देते हैं।
बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह मोटर वगैरह सेम है, वारंटी वगैरह की बात करते हो तो कई बार मैंने आपको बता रखी है, स्पेशली बैटरी पैक पे 1,60,000 और 8 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप पूरी कार की बात करते हो तो वहाँ पे आपको जो 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है, जिसको अगर आप चाहते हो एक्सटेंड भी करा सकते हो, आपके पास ऑप्शन। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ईवी प्लान कर रहे हो और लंबा रखने का टाइम है, ज्यादा चलाते हो, तो डेफिनेटली आप एक्सटेंड करा लेना भाई, आपके वैल्यू ही मिलेगी, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी एक चीज और, पूरे जो इसकी ड्राइव यूनिट है ना, मोटर वगैरह या इसका ऑनबोर्ड चार्जर वगैरह जो लगा हुआ है, उसके ऊपर भी सेम वारंटी मिलती है 1,60,000 और 8 साल की, तो कोई दिक्कत है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत सही है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको पंच से ऊपर ये बढ़िया लगी कि नहीं लगी? बाकी तो इस टॉप एंड वेरिएंट के बारे में यही था, आपको ईएल प्रो वाला वेरिएंट कैसा लगा डुअल टोन के अंदर, और स्पेशली एक्सयूवी 4WD ईवी के अंदर कैसी लगी, वो चीज जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से जो है प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।